क्षेत्र में कि ACC का जो नया प्लांट आ रहा है उसमें क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, जो सक्षम लोग हैं वो ठेकेदारी भी करेंगे वहाँ पे, और वेंडर कोड नए बनाए जाएंगे उसके माध्यम से लोगों को काम मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा। लेकिन पिछले 7-8 महीने में ऐसा देखा गया कि लगभग 3,000 से ज़्यादा लोगों को बिहार और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल से लाया गया, और यहाँ के लोगों को मात्र 300-350 लोगों को हमारे विधानसभा क्षेत्र में केवल नौकरी दी गई, ना 10% लोग भी नहीं दिए गए। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने जब इसका शिलान्यास हो रहा था, भूमि पूजन हो रहा था, उस समय ACC मैनेजमेंट ने इस बात को बोला था कि 70% से ज़्यादा लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को काम दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में मात्र 10% लोगों को, क्षेत्र के लोगों को काम दिया गया। इस बात का बहुत रोष है। किसानों की ज़मीन चली गई, किसानों से जो ज़मीन खरीद ली गई इसके बदले में लोगों को रोज़गार देने की बात की गई, किसी किसान को रोज़गार नहीं दिया गया, बेरोज़गार भटक रहे हैं। अब जब आप सतना से लोग भर्ती कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से लोग भर्ती कर सकते हैं, तो कैमूर से क्यों नहीं कर सकते? अगर आप प्रदेश के बाहर से लोगों को ला सकते हो तो वही टेक्निकल हैंड्स हमारे पास भी हैं। इन्हीं ACC कंपनी के द्वारा ट्रेंड किए गए SMTI में से जो बच्चे हैं, जो निकल के आए हैं, जो ट्रेनिंग किए हुए हैं, उन लोग को नौकरी ना दे के और बाहर के प्रदेश के लोगों को, सेम ग्रेड के लोगों को रखा जाता है। तो जब उनके अंदर भी वही क्वालिटी है तो इनको हमारे प्रदेश के लोग क्यों नहीं, हमारे विधानसभा के लोग क्यों नहीं? इन सब बातों को लेकर और भी बहुत सारी मांग के सब बातों को लेकर बीच में धरना प्रदर्शन आंदोलन भी हुआ था, उसकी समय सीमा तय की गई 7-8 दिन बाद ये लोग जवाब देंगे, लेकिन 8 दिन की जगह 10-12 दिन हो गए, इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और साथ में ACC के संपूर्ण मैनेजमेंट के साथ ये बैठक हुई, और इस बैठक में फिर से वो सारी चीज़ें दोहराई गई। उन्होंने अपना उत्तर दिया जो संतोषजनक बिल्कुल भी नहीं है। बाहर के प्रदेश से आए मजदूर, मिट्टी फोड़ने वाले, गिट्टी फोड़ने वाले मजदूरों को 1200 रुपये मिलेगा, और हमारी विधानसभा के लोगों को उसी मिट्टी का मात्र 334 रुपये मिलेगा। इतना अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सारी बातें हुई हैं, इन्होंने हर एक चीज़ का जवाब के लिए फिर से समय मांगा है, जिसमें अब प्रशासन को ये लिखित रूप में जवाब देंगे, और दशहरे के बाद फिर एक मीटिंग होगी, और उसके बाद अगर क्षेत्र के लोगों को काम नहीं मिलता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पूरी बात रखूँगा, सरकार के समक्ष पूरी बात रखूँगा, वरिष्ठों के समक्ष पूरी बात रखूँगा, और उसके बाद फिर क्षेत्र के लोग, बेरोजगार नौजवान, किसान, मजदूर फिर अगर आंदोलित होते हैं तो इसकी